आप लोगों ने भी कभी ना कभी ये बात जरूर सोची होगी कि आखिर ये कांच कैसे बनाया जाता है। तो चलिए आज जानते हैं इस वीडियो में कि कांच कैसे बनता है। दरअसल कांच दो प्रकार के होते हैं, एक जो हमारे घरों में यूज होता है, दूसरा जिससे कि बुलेट प्रूफ जैसी खिड़कियां बनाई जाती है। तो आज हम इस साधारण कांच के बारे में जानेंगे जो कि हमारे घरों में यूज होता है। इसको बनाने के लिए चार प्रोसेस से इसे गुजरना पड़ता है। साधारण कांच को बनाने के लिए सबसे पहले इसको मिक्सिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। दरअसल मिक्सिंग प्रोसेस में 75% सिलिका सैंड होती है और 15% सोडा होता है, 10% अदर मटेरियल होता है। उसके बाद में इसको हीटिंग प्रोसेस में ले जाया जाता है, जहां पर इन्हें मिक्स करके हीट किया जाता है। हीट करने के बाद में इसको निकालकर थर्ड प्रोसेस में जाता है। हीटिंग और मिक्सिंग के बाद में इसको ठंडा किया जाता है। ठंडा करने के बाद इसको शेप में दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक साधारण कांच बनाया जाता है। अगर वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।